हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्थाई कोविड सेंटर के नाम पर गरीबों के आशियाने किए गए ध्वस्त, कैलाश चौधरी। पिछले सप्ताह राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के निर्देशन में पचपतरा रिफाइनरी के पास अस्थाई अस्पताल बनाने के बहाने सामरा निवासी हुकुम सिंह व गोपाल सिंह दोनों के घरों को खिराज राम हुडा सहित 15 से 20 लोगों ने ढहाकर ऊपरी जेसीबी मशीन घुमाकर साफ कर दिया। दोनों ने पुलिस थाने में अर्जी दी है कि सप्ताह भर पहले रात्रि में हम घरों में सो रहे थे, उस दौरान सांभरा सरपंच प्रतिनिधि खेराज राम हुडा सहित 15 से 20 लोग जेसीबी लेकर आए, हमें नींद से जगा कर कहा कि हमारे को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भेजा है, हमारे घरों को ध्वस्त करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पुश्तैनी घर है, क्यों ढहा रहे हो। उस दौरान हमें डरा धमका कर बबूल की झाड़ियों में ले गए और पीछे से जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। हम गरीब लोग हैं, पीढ़ियों पुराने हमारे घर हैं, भारत आजाद के पहले से हम रह रहे हैं। हमारा लवन का व्यवस्था था, पुलिस थाने में केस दर्ज करने गए तो थाना अधिकारी ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में सेवा भाव के दृष्टिकोण से अगर अस्पताल खोला जाए तो सराहनीय है, परंतु अस्पताल के बहाने कोई और प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अगर कोई षड्यंत्र किया जाता है तो निंदनीय है। चौधरी ने कहा कि एक मंत्री द्वारा कोविड सेंटर के बहाने जमीन हड़पने की साजिश है, इसी कारण इन गरीबों के पीढ़ियों पुराने आशियानों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया गया, जो कि इनके साथ घोर अन्याय हुआ है। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इन गरीबों के साथ न्याय किया जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।